आष्टा के पार्वती थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। ग्राम गोपालपुर में एक व्यक्ति के खेत में अफीम की खेती करते हुए पकड़ा। करीब आधा एकड़ खेत में की जा रही थी अफीम की खेती। बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर परमिशन के करीब 6500 पौधे लगाए हुए पाए गए, जिस पर 94.50 किलोग्राम वजन के अफीम के डोडे जब्त किए गए, जिसकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए होना अनुमान है। पार्वती थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दी दबिश। ग्राम गोपालपुर के एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह ठाकुर के खेत में लगाई गई थी फसल। थाना प्रभारी विक्रम आदर्श ने अपनी टीम के साथ की छापामार कार्रवाई में उक्त मामला सामने आया है, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मिले निर्देशानुसार NDPC के एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति काफी समय से खेती कर रहा था। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने टीम की प्रशंसा करते हुए इनाम की घोषणा की। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग सर के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आष्टा अनुभाग के थाना पार्वती पुलिस को आज एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 17/3 को मुखबिर की सूचना थाना प्रभारी पार्वती श्री विक्रम आदर साहब को मिली कि उनके थाना क्षेत्र में, थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर में तालाब के पास एक खेत में किसी व्यक्ति ने प्याज की फसल के साथ साथ अफीम के पौधे उगाकर खेती की जा रही है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पार्वती ने अपनी टीम के साथ राजस्व अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पर उस खेत के मालिक को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर खेत के मालिक का नाम राजेंद्र, पिता हिम्मत सिंह सेंधव, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम गोपालपुर का पता चला है। पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति से उक्त अफीम की खेती के संबंध में वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज पूछे गए, जो उनके पास में होना नहीं पाए गए। दस्तावेज के अभाव में अफीम की उक्त खेती अवैध पाए जाने से और अफीम मादक पदार्थ के अंतर्गत होने से पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफीम के अवैध पौधों को जब्त किया गया है। और इस दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6500 पौधे उस खेत से निकालकर जब्त किए हैं, जिनका वजन लगभग 94 किलो 500 ग्राम है और बाजार में उस पौधों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी को विधिवत उस अपराध में गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से आरोपी जेल भेजा गया है। सर, टीम को कुछ भी किया जाएगा? हमारी उस टीम में थाना प्रभारी पार्वती विक्रम आदर्श के साथ साथ उनके साथ काम करते हुए ASI लोक सिंह मरा, प्रधान आरक्षक अंबुनाथ पांडे। सीहोर आष्टा से UD News के लिए रायसिंह मालवी की रिपोर्ट।